ठीक है, फिर ज्योग्राफी में क्वेश्चंस करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ, फर्स्ट क्वेश्चन, कलर ऑफ द स्टार इज इंडिकेशन ऑफ इट्स, भाई किसी भी स्टार का जो कलर है उससे जो लाइट निकल रही होगी, लाइट का कलर उसकी वेवलेंथ तो फ्रिक्वेंसी से डिसाइड होता है, और लाइट की वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी टेम्परेचर से डिसाइड होती है। जो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की जो लाइट होगी वो ब्लू दिखाई देगी, कम फ्रिक्वेंसी की जो लाइट होगी वो रेड दिखाई देगी। तो ये टेम्परेचर से होता है, और एक लॉ भी है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की निकलेंगी, उतनी कम वेवलेंथ की निकलेंगी। तो यानी कि कलर ऑफ द स्टार इंडिकेटर है उसके टेम्परेचर का। सी बिल्कुल सही ऑप्शन है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड है। सही बात है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इज, ये तो सबको पता है, मरकरी है भाई। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। अच्छा, मरकरी का टाइम पीरियड 88 अर्थ के डेज के बराबर है, कम है। जितना पास होगा उसका टाइम पीरियड उतना कम होगा। ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज्ड इन ए डिफिनेट पैटर्न इज कॉल्ड मिल्की वे, आर्कोम, एंड्रोमेडा, कंस्टेलेशन, सोलर सिस्टम। देखिए, सोलर सिस्टम तो सन के अराउंड प्लैनेट्स का है, तो ये कोई ग्रुप ऑफ स्टार्स तो है नहीं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी है पूरी की पूरी, मिल्की वे और कंस्टेलेशन बचा। स्टार्स का जो ग्रुप होता है, अब जैसे स्टार्स का लोग बोलते हैं ना, सप्तर्षि मंडल, अर्सा मेजर, अर्सा माइनर, यह कंस्टेलेशंस कहलाते हैं, यानी कि बी होना चाहिए। किसी भी स्टार्स का ग्रुप जो एक डिफरेंट पैटर्न में हो वो कंस्टेलेशन कहलाता है, जैसे कि अर्सा मेजर, अर्सा माइनर। अगला, अर्थ एस्ट्रॉइड बेल्ट इज फॉर्म्ड, अर्थ नहीं इन जनरल, एस्ट्रॉइड बेल्ट इज फॉर्म्ड। एस्ट्रॉइड वो प्लैनेट बोल सकते हैं, रॉक की बॉडीज हैं जो कि प्लेनेट के अराउंड घूमती रहती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ये एस्ट्रॉइड बेल्ट अर्थ के पास तो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। मार्स और जुपिटर, अर्थ के बाद मार्स फिर जुपिटर। तो मार्स जुपिटर के पास एस्ट्रॉइड बेल्ट अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है, वही है, मार्स जुपिटर सी होना चाहिए। द लार्ज मेजोरिटी ऑफ नोन एस्ट्रॉइड ऑर्बिट इन एस्ट्रॉइड बेल्ट बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, एंड दे आर को ऑर्बिटल विद जुपिटर। जुपिटर के चारों तरफ एस्ट्रॉइड बेल्ट अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट सेटेलाइट इन सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा सेटेलाइट। अब जैसे अर्थ का सेटेलाइट तो मून है, बट मून सबसे बड़ा नहीं है। गैनीमीडे, यूरोपा, टाइटन, ट्राइटॉन। अब ये तो मुझे नहीं पता, मैं रीड कर रहा हूँ। गैनीमेड इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन सोलर सिस्टम। गैनीमीडी इज ए सैटेलाइट ऑफ जुपिटर, जुपिटर साइज में सबसे बड़ा भी है और जुपिटर का सैटेलाइट भी सबसे बड़ा है। लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम गैनीमेड है, और जुपिटर का सेवंथ मून है, कंप्लीटिंग एन ऑर्बिट इन रफली 7 डेज। अच्छा, और ये मरकरी से भी बड़ा है, प्लैनेट से भी बड़ा है, ठीक है। विच प्लैनेट टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू गो अराउंड द सन, भाई मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। किसी भी प्लैनेट का टाइम पीरियड उसके शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जो दूर होगा उसका टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा। तो अर्थ तो नहीं है, जुपिटर भी नहीं है, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, नेपच्यून होना चाहिए, ठीक। नेपच्यून लॉन्गेस्ट टाइम लगाता है, काफी दूर है। प्लूटो नहीं है, नहीं तो प्लूटो होता आंसर। इलिप्टिकल पाथ, सही, दूरी का है, सीधे सीधे। द प्लैनेट विच इज कॉल्ड ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, द प्लैनेट विच इज कॉल्ड ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ के जैसा साइज हो, डेंसिटी हो, कंपोजिशन हो, वीनस जो है वो ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, बी वीनस। बट वीनस थोड़ा सा टॉक्सिक एटमॉस्फेयर है, वीनस हैबिटेबल नहीं है। अगला, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ,
अर्थ की मून से डिस्टेंस कहते हैं भाई। अर्थ की सन से तो पता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 10 to power 11 मीटर के आसपास है शायद। मून की अर्थ से डिस्टेंस तो कम ही होगी, मून की अर्थ से डिस्टेंस करीब 384,000 किलोमीटर है। अच्छा फर्स्ट ऑप्शन, और 384,000 किलोमीटर अर्थ के डायमीटर का 27% और डेंसिटी 60% है, मास 1/81 है। अच्छा विच प्लैनेट वॉज नेम्ड ऑफ रोवन गॉड ज्यूस? भाई यूरोपियन लिटरेचर ग्रीक और रोमन गॉड से ही है, रोमन गॉड ज्यूस के नाम पे कौन सा प्लैनेट है? जुपिटर वॉज नेम्ड ऑन द रोमन गॉड ज्यूस। ज्यूस इज द फादर ऑफ गॉड्स एंड मैन हु रूल्स द माउंट ओलंपस अकॉर्डिंग टू ग्रीक रिलीजन। ही इज द गॉड ऑफ स्काई एंड थंडर। गॉड ऑफ स्काई एंड थंडर ग्रीक माइथोलॉजी में तो थोर भी तो है। ज्यूस जुपिटर, ज्यूस इज एटिमोलॉजिकली कॉग्निट विद एन अंडर हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस, बिकम पर्टिकुलरली क्लोजली आइडेंटिफाइड विद रोमन एंड जुपिटर। जू जुपिटर, अच्छा ज्यूस से जुपिटर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज स्मॉलर इन साइज देन द अर्थ? अर्थ से छोटा वीनस इज स्मॉलर देन साइज ऑफ द अर्थ। बाकी वीनस नेपच्यून तक अर्थ से बड़ा भाई, सैटर्न तो बड़ा ही, वीनस छोटा है। लार्जेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम इज जुपिटर, ऑब्वियसली जुपिटर एक गैस जायंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स? जुपिटर हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इट्स कॉल्ड ब्लू प्लैनेट? अर्थ ही है ब्लू प्लैनेट, वाटर की वजह से, ब्लू मतलब वाटर। अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ अर्थ। अर्थ की रेडियस तो मुझे पता है 6400 किलोमीटर है, तो अगर डाया की बात करेंगे तो रेडियस का डबल होगा, तो 12,800 किलोमीटर हो जाएगा। अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस। अर्थ की अपनी एक्सिस के अबाउट घूमने की वजह से डे एंड नाइट होते हैं, अर्थ वेस्ट वेस्ट घूमती है। अब वेस्ट वेस्ट किसने देखा? तो अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एज व्यूड फ्रॉम नॉर्थ स्टार और पोल स्टार, जिसको बोलते हैं ध्रुव तारा। अर्थ काउंटर क्लॉकवाइज घूमते हुए दिखाई देती है। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब ये हो गया कि क्लॉकवाइज घड़ी की तरफ, घड़ी के उल्टे, मतलब वही हो गया वेस्ट टू ईस्ट ऐसे घूमते हुए दिखाई देती है नॉर्थ स्टार से। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन? 24 घंटे के आसपास तो ऐसे सारे ही है, पर एग्जैक्ट 24 घंटे तो नहीं होगा, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड बी ऑप्शन। Which of the following is nearest star of Earth? Which of the following is nearest star of Earth? Sirius, Sun, Sun तो है ही सबसे nearest, astronomical। One of the nearest star, Sirius, is more than thousands astronomical unit पे है। Sun अगर एक astronomical unit है तो Sirius उससे 1,000 times दूर है। रीगल हो गया तो भूल जाओ। Which one of the following planet is the brightest? वीनस इज द ब्राइटेस्ट, थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन स्काई आफ्टर सन एंड मून। मीन रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट रोटेट्स क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज वीनस रोटेट्स क्लॉकवाइज। अच्छा अर्थ तो एंटी क्लॉक है, वीनस उल्टा घूमती है, क्लॉकवाइज वीनस उल्टा है, क्लॉकवाइज रिट्रोग्रेड। अगर वीनस पे खड़े हो तो सन ईस्ट है, वैसे दिखाई देगा। न्यूक्लियर फ्यूल इन द सन इज, सन में जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वो फ्यूजन की होती है, हाइड्रोजन से हीलियम बनती है, तो हीलियम और हाइड्रोजन दोनों ऑप्शन में थे, लेकिन जो फ्यूल है वो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से हीलियम बनती है, तो हीलियम तो एंड प्रोडक्ट है, जो इनपुट लग रहा है वो हाइड्रोजन का लग रहा है। सन बर्न नहीं कर रहा, सन में तो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, हाइड्रोजन लगातार हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, हाइड्रोजन बॉम्ब के कॉन्सेप्ट में है। तो बी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड,
आउटर मोस्ट लेयर सन की। क्रोमोस्फेयर, तो क्रोमा मतलब कलर है, फोटोस्फेयर वो होगी जहां से लाइट निकल रही है, लिथोस्फेयर तो सरफेस को बोलेंगे, कोरोना वर्ड सुना सुना सा लग रहा है, आउटर मोस्ट लेयर सन की कोरोना कहलाती है। कोरोना इज अ टाइप ऑफ प्लाज्मा दैट सराउंड द सन एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। प्लाज्मा का मतलब सेमी लिक्विड स्टेट टाइप का। सन्स कोरोना एक्सटेंड्स मिलियंस ऑफ किलोमीटर इन द स्पेस, इज मोस्ट इजली सीन ड्यूरिंग ए टोटल सोलर इक्लिप्स, बट इज ऑल्सो ऑब्जर्वेबल द कोरोना ग्राफ। तो सन की आउटर लेयर कोरोना है। सन का टेम्परेचर मुझे याद आ रहा है कि सोलर कांस्टेंट एक चीज होती है, उसे एक एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, कोई डायरेक्ट मेजरमेंट का तो कोई तरीका नहीं है, और ये करीब 5600-5700 केल्विन के आसपास है, मतलब 6000 केल्विन के आसपास। सही, 6000 केल्विन 5700 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज मीन बाय 273 का डिफरेंस होता है, व्हाट इज मीन बाय टर्म मिडनाइट सन। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ऐसा होता है कई कई दिन तक जो है, मतलब 24 घंटे का डे, 24 घंटे की नाइट। तो मिडनाइट सन का मतलब है कि रात के 12 बजे सन यहाँ जा चुका होता है इंडिया इंडिया में, लेकिन नॉर्थ पोल में अगर आप देखो तो 24 घंटे का सन है, तो वहाँ रात के 12 बजे भी सन दिखाई देगा। समर मंथ में मिडनाइट सन, सन जो है मिडनाइट पे भी विजिबल रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज नोन एज रेड प्लेनेट। रेड प्लेनेट तो सबको पता है, मार्स है। इनफैक्ट मार्स की कई सारी मूवीज बनी है रेड प्लेनेट वाली, और उनमें लाल प्लैनेट दिखाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, मिडिल ईस्ट में एक जगह है, आई थिंक वो जगह जॉर्डन के आसपास है, वहाँ की शूटिंग डालते हैं। वहाँ पे कोई डेजर्ट है, अब वो डेजर्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, वहाँ की शूटिंग। हाँ, जॉर्डन रेड प्लैनेट। मार्स इज नोन एज रेड प्लैनेट, मार्स इज द फुल। आयरन ऑक्साइड खूब है मार्स में। द प्लैनेट हुज पीरियड ऑफ रोटेशन इज लॉन्गर देन द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन। एक ऐसा प्लैनेट जिसका टाइम पीरियड लॉन्गर है, पीरियड ऑफ रोटेशन खुद का अपने एक्सिस के अबाउट, सन के अबाउट वाले से भी ज्यादा, मतलब डे और नाइट वहां पे बड़े होते हैं, साल छोटा होता है। तो वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जिसका टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन लॉन्गर है, डे काफी लंबा है, सन के अबाउट जल्दी घूम जाता है। टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन फॉर वीनस इज 243 डेज। वीनस जो है 243 दिन लगाता है अपनी एक्सेस में घूमने, मतलब उसका एक दिन 243 दिन का होता है। लास्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। स्टार हमें मालूम है लगातार सिकुड़ते रहते हैं, श्रिंक होते रहते हैं, ब्लैक होल बनने के प्रोसेस में। लेकिन ब्लैक होल बनने के पहले, जब ब्लैक होल बन गया तो स्टार ही नहीं है। ब्लैक होल बनने से पहले रेड जायंट तो खैर बड़ा है स्टार, सुपरनोवा भी बड़ा है, ड्वार्फ बनेंगे ना पहले, तो पहले ड्वार्फ बनेंगे, व्हाइट ड्वार्फ। टाइम टेकन बाय द सन्स लाइट टू रीच अर्थ, सन की लाइट को अर्थ में पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। टाइम टेकन बाय मून टू मून स्लाइड टू रीच अर्थ, 1 सेकंड में पहुंच जाती है, 1.3 सेकंड। स्पेस बिटवीन अर्थ एंड मून इज नोन एज, अर्थ और मून के बीच के स्पेस को बोलते हैं सिस लूनर, सिस ट्रांस, सिस लूनर। अवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन विच गैलेक्सी। गैलेक्सी अपनी प्रोक्सिमा सेंटुरारी, तो मुझे लग रहा है प्रोक्सिमा अपने पास की गैलेक्सी है। अल्फा सेंटुरारी और एंड्रोमेडा के बारे में मुझे नहीं पता, बट प्रोक्सिमा सेंटुरारी अपनी गैलेक्सी नहीं है, अपनी सबसे पास की गैलेक्सी है। प्रोक्सिमा मतलब प्रोक्सीमेट, अपनी जो गैलेक्सी है उसी का नाम तो मिल्की वे है। अपना जो सोलर सिस्टम है वो जिस गैलेक्सी में है उसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी है। मिल्की वे इज द गैलेक्सी दैट कंटेन्स अवर सोलर सिस्टम। इसका नाम इसलिए मिल्की वे क्योंकि इसकी एक अपेरेंस एक डिम ग्लोइंग बैंड की तरह है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार इज नोन एज पल्सर। न्यूट्रॉन स्टार को पल्सर बोलते हैं। ये स्टार के डेथ के प्रोसेस में जो रिमिनेंट बचता है ग्रेविटेशनल कोलैप्स होने के बाद, उसी को पल्सर कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार इज नोन एज फॉसिल स्टार।
व्हाइट डार्फ होता है भाई, स्टार के डेथ में जब फॉसिलाइज हो जाता है तो व्हाइट डार्फ बन जाता है। ब्लैक होल के अपोजिट है ब्लैक होल ब्लैक, व्हाइट डॉर्फ व्हाइट, दे आर अपोजिट ऑफ ब्लैक, दे आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल लूमस स्टार। तो ब्लैक होल ये बन पाते तो उनका उल्टा व्हाइट डॉर्फ बन जाते हैं। एनर्जी ऑफ द सन इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू सोलर सिस्टम? एस्ट्रॉइड्स हैं, प्लैनेट्स हैं, कॉमेट्स हैं, नेबुले नहीं है। नेबुलो एक इंटरस्टेलर क्लाउड ऑफ डस्ट है आउटर स्पेस में, ये सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, नेबुले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज नियरेस्ट टू द अर्थ? वीनस, सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, वीनस। साइकिल ऑफ द सन स्पॉट इज, सन पे सन स्पॉट आते रहते हैं 10-11 साइकिल, 11 साल की साइकिल है के बाद हर 11 साल पे सन स्पॉट्स होते रहते हैं कोरोना, उसके जो आउटर मोस्ट लेयर है कोरोना पे, और 11 साल की एवरेज साइकिल है, ठीक है। द ग्रुप ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ क्लॉक्स, ग्रुप ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। इन्हीं को तो बोलते हैं एस्ट्रॉइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट रिलेवेंट फॉर द प्रेशर ऑफ प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स? मार्स में रिलेवेंट एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, लोग बोलते हैं कि अगर अर्थ के बाद कहीं लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है तो मार्स में कर सकती है, वीनस सीनस में तो नहीं कर सकती। तो मार्स में ऐसा क्या है? एटमॉस्फेरिक, थर्मल, आइस कैप, ओजोन। मेरे हिसाब से एटमॉस्फेरिक होना चाहिए, सी ना, आइस कैप और फ्रोजन वाटर, पानी सबसे बड़ी चीज है। Among the following, which planets takes maximum time for one revolution around the sun? कौन सा planet maximum time लेता है revolution sun के around? तो जो सबसे दूर होगा इनमें, जुपिटर। इवनिंग स्टार कौन कहलाता है? वीनस। जैसे ही सनसेट होता है तो उसके बाद इवनिंग में वीनस निकल आता है, वीनस एज ब्राइटेस्ट तो वो दिखाई देता है सनसेट के बाद। अर्थ डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ डिस्टेंस बिकम्स मिनिमम फ्रॉम द सन। सन जब अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट आ जाए, अगर हम इसमें बात करें, सन जब अर्थ के क्लोजेस्ट आ जाए तो वो होता है 3 जनवरी के आसपास। मैं सोच रहा था कहीं मार्च, मई, अप्रैल, मई के आसपास होगा, लेकिन ये 3 जनवरी। अर्थ हूज मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन ऑन 3 जनवरी। अच्छा, विच प्लेनेट इज सराउंडेड बाय रिंग? सैटर्न के आसपास रिंग्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है। हमारे माना जाता है कि उस रिंग के ऑर्बिट में एस्ट्रॉइड्स घूमते रहते हैं। लूनर इक्लिप्स कब अकर होता है? चंद्र ग्रहण। लूनर इक्लिप्स तब होता है जब, देखो हमें मून कैसे दिखाई देता है सन की लाइट से, तो एक ही तरीका है कि सन की लाइट मून पे ना पड़े। सन की लाइट मून पे कब नहीं पड़ेगी? जब अर्थ घुस जाए, अर्थ घुस जाए सन और मून के बीच में, तो मून पे सन की लाइट नहीं पड़ेगी तो मून दिखाई नहीं देगा, तो लूनर इक्लिप्स हो जाएगा। बाई हाउ मच डिग्री द अर्थ इज इंक्लाइन ऑन ऑन एक्सिस? मेरे हिसाब से 23.5 है, 23.5 डिग्री। तभी तो ट्रॉपिक एंड इक्वेटर और सॉरी कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है वो 23.5 डिग्री पे मिलते हैं, 23.5। प्लेनेट प्लूटो को अबॉन्डन कर दिया गया और डार्क प्लेनेट में कर दिया गया था प्राग की समिट में, चेकोस्लाविया, प्राग। एस्ट्रोनॉमिकली डाउनग्रेडेड द स्टेट ऑफ प्लूटो, लेकिन पुरानी खबर है भाई, अब तो प्लूटो फिर से प्लेनेट मान लिया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट अकर्स द मोस्ट एबंडेंटली इन यूनिवर्स? हाइड्रोजन, सबसे हल्का। टू प्लैनेट्स विच हैव नो सैटेलाइट्स, मरकरी का कोई सैटेलाइट नहीं है, वीनस का कोई सैटेलाइट नहीं है, अर्थ का है, यूरेनस का है, बाद के सारे बड़े में सब में। एस्ट्रोनॉट लुक्स द स्काई इन द स्पेस,
एस्ट्रोनॉट्स लुक्स द स्काई इन द स्पेस, तो उन्हें स्काई कैसा दिखाई देगा? ब्लू, रेड, ब्लैक, व्हाइट? आई थिंक ब्लैक दिखाई देगा, क्योंकि इन एब्सेंस ऑफ लाइट, इन एब्सेंस ऑफ लाइट सारी चीजें ब्लैक दिखाई देती हैं। ब्लैक पार्ट ऑफ द मून इज ऑलवेज काम एंड डार्क, विच इज कॉल्ड सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, शांति। ये वही है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जहां अपोलो जो है पहुंचा था। सिंपली रॉक्स हैं, बेसाल्ट रॉक्स। व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ? एक ऑब्लेट स्फीयर, मतलब एक परफेक्ट स्फीयर तो नहीं है ना अर्थ, तो अर्थ एक अंडे की तरह, एक की तरह एलिप्सॉइड है, ऑब्लेट स्फीयर बोल सकते हैं। अर्थ सन से मैक्सिमम डिस्टेंस, देखो अर्थ सन सबसे पास होंगे पेरिजी, दूर होंगे तो एपोजी, एपोहिलियन, एपोजी एपोहिलियन एक ही हेलियोस्टेंट वजन। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ डे एंड नाइट? अर्थ का अपनी एक्सिस पे घूमना, रोटेशन ऑन एक्सिस बी। व्हाट कॉजेज द चेंज ऑफ सीजन? सीजन होते हैं क्योंकि अर्थ सन के अराउंड घूमता है, रिवोल्यूशन और इंक्लिनेशन दोनों काउंट होंगे सी। अर्थ का रिवोल्यूशन अलग से और अर्थ का रिवोल्यूशन इंक्लिनेशन दोनों देखेंगे। सिर्फ अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से नहीं है, अगर अर्थ की एक्सिस पूरी तरह से वर्टिकल होती तो किसी भी लेटिट्यूड पे देखते सन हमेशा वर्टिकल बना रहता, सेम लेटिट्यूड पे। तो अर्थ के रिवोल्यूशन के साथ साथ इंक्लिनेशन भी है जिनकी सीजन के लिए। किस प्लेनेट पे वन वुड विटनेस सनराइज इन द वेस्ट? वीनस। लेटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ इज द सर्फेस विद रिस्पेक्ट टू लेटिट्यूड, इक्वेटर से देखते हैं। प्राइम रेडियस से लॉन्गिट्यूड देखते हैं, लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये किसी पॉइंट की अर्थ में पोजिशन बताने का तरीका है। पोल स्टार नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं, इक्वेटर। लेटिट्यूड देखते हैं इक्वेटर से, लॉन्गिट्यूड देखते हैं प्राइम मेरिडियन से। लॉन्गिट्यूड कहाँ से देखते हैं? लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन से देखते हैं, ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन ए। किस डेट पे अर्थ पेरिहिलियन, पेरिजी, अर्थ सन सबसे पास होते हैं 3 जनवरी। अर्थ एपोहेलियन सबसे दूर, तो जनवरी का सबसे उल्टा क्या बनेगा? दिसंबर? नहीं, दिसंबर में तो फिर से भाई जनवरी वाली साइकिल हो जाएगी ना, आधा जनवरी और दिसंबर से आधा जुलाई आएगा करीब। अर्थ फादेस्ट फ्रॉम द सन है 4 जुलाई, 4 जुलाई जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर चल रहा होता है। सरप्राइजिंगली आज 7 जुलाई है, इस समय अर्थ सन सबसे दूर है। सन इज वर्टिकल ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 23.5 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन वर्टिकल कब होता है? 21 जून को, समर सोल्स्टिस पे। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्किल? विद इन दो सर्किल कैन ओनली कैन द डेज एंड नाइट्स भी लॉन्गर देन 24 आवर्स, से बिल्कुल सही है। 24 घंटे का या उससे भी बड़ा डे एंड नाइट आर्कटिक और अंटार्कटिक हो सकता है। वॉट इज ट्रू अबाउट इक्विनॉक्स? इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वेटर के ऊपर वर्टिकल सन। सोलस्टिस का मतलब होता है ट्रॉपिक्स के ऊपर वर्टिकल सन। इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वेटर पे वर्टिकल सन, सोलस्टिस का मतलब होता है ट्रॉपिक्स के ऊपर। एक होता है समर सोलस्टिस, एक होता है विंटर सोलस्टिस। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सोलस्टिस होगा तो सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोलस्टिस होगा, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोलस्टिस होगा तो सदर्न हेमिस्फीयर में समर सोलस्टिस होगा। सोलस्टिस ट्रॉपिक्स में, इक्विनॉक्स इक्वेटर से है। हाउ मच इज द मास ऑफ मून व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ अर्थ? 181, 1/81। हाउ मच ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ मून इज कवर्ड, इज नेवर विजुअल फ्रॉम द अर्थ? अर्थ से मून का कभी कुछ दिखते नहीं, अभी अर्थ से मून का सामने वाले तो दिखाई देगा, करीब 50% से भी कम, 41%, बाकी हिस्सा कहाँ दिखाई देगा। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ 3,84,000 किलोमीटर, यार अभी तो किया था। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज, अर्थ और सन के बीच में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है 10.11 किलोमीटर, ये करीब आएगा 150 मिलियन किलोमीटर के आसपास। अच्छा, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच तो लंदन में एक लैब जगह है,
वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम GMT प्लस 5:30 है, तो 5.5 घंटे, 5:30 मतलब 5 आवर 30 मिनट, आवर्स में 5.5 आवर्स डी। हाँ, ग्रीनविच जो है वो इंडियन टाइम से 5.5 घंटे पीछे है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। वॉट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेलेस्टियस बॉडी, वॉट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिस्टेंस बिटवीन सेलेस्टियस बॉडी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, सी ए यू है नहीं तो लाइट ईयर। ऑन द सरफेस ऑफ मून, अभी मून पे अर्थ के रेस्पेक्ट में जो ग्रेविटी वो 1/6 है, तो किसी चीज को अगर अर्थ से मून पे ले जाएंगे तो मास तो उतना ही रहेगा, और जो वेट होगा W इज इक्वल टू एम जी से, मास उतना ही है, जी लेकिन 1/6 हो गया, तो वेट कम हो जाएगा और 1/6 हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन टू प्लेसेस इज अलोंग द लेटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स, विंड की डायरेक्शन, रिवर के डायरेक्शन। तो लेटिट्यूड्स तो मतलब इक्वेटर से देखेंगे, लॉन्गिट्यूड्स ऊपर से देखेंगे वर्टिकली, मतलब प्राइम मेरिडियन से। तो कोई भी दो पॉइंट के बीच में अगर तुम्हें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चलना हो तो तुम उन जो जैसे वाटरमेलन को काटते हो ना ग्रेट सर्कल्स के थ्रू देखो, और जो वाटरमेलन को ऊपर से सर्कल्स काटते हैं उन्हें लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेट सर्कल इज दैट ए प्लेन पास्ड अलोंग इट विल पास टू द सेंटर ऑफ अर्थ एंड डिवाइड्स इन इनटू टू इक्वल हाफ्स। अलोंग द लेटिट्यूड्स ओनली द इक्वेटर इज ए ग्रेट सर्कल, वेल जितने और लॉन्गिट्यूड्स हैं वो लेटिट्यूड्स ग्रेट सर्कल नहीं है। सही बात है, लेटिट्यूड ग्रेट सर्कल नहीं है बट लॉन्गिट्यूड्स ग्रेट सर्कल है, तो लॉन्गिट्यूड सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस्ट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड रॉकी डेब्रिस होते हैं वेरियस साइज ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, मोस्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल बट सबका डायम कुछ का डायमीटर बड़ा है, जुपिटर और सैटर्न के बीच में ऑर्बिट करते हैं, ये तो गलत है भाई। तो ए 1 एंड 2 ओनली, एस्ट्रॉइड्स रॉकी डेब्रीज हैं, साइज वेरी कर सकता है, ऑर्बिट करते हैं जुपिटर और मार्स के बीच में, ना कि जुपिटर और सैटर्न के बीच में, जुपिटर और मार्स के बीच में। करीब 30,000 एस्ट्रॉइड्स हैं। Which one of the following statement is correct with respect with reference to our solar system? With reference to our solar system, कौन सा statement correct है? Earth is the densest of all the planets. ये बिल्कुल सही है। Predominant element in the composition of Earth is silicon. नहीं, iron सबसे ज्यादा dominant है। Sun contains 75% mass of the solar system. देखना पड़ेगा। सन का डायमीटर 190 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, इससे भी बड़ा होगा। अर्थ डेंसेस्ट है और ये कितनी डेंसिटी है, 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अर्थ की एवरेज डेंसिटी है, वाटर की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। चलो, स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑन द सोलर सिस्टम मरकरी, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम जुपिटर, प्लैनेट सेकेंड फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम मरकरी, सन मरकरी वीनस, प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन मरकरी, डायमंड रिंग इज ए फिनोमेना ऑब्जर्व्ड ओनली अलोंग द पेरिफेरल रीजन ऑफ टोटलिटी टेल, ये क्या है? डायमंड रिंग इज द फिनोमेना विच अकर्स अलोंग द पेरिफेरल रीजन ऑफ द टोटलिटी टेल, एज द लास्ट बिस्ट ऑफ द सनलाइट पास थ्रू वेल्यूज ऑन द मून स्लिप एंड द फेंट कोरोना अराउंड द सन इज जस्ट बिकमिंग विजिबल, इट लुक्स लाइक ए रिंग विद ग्लिटरिंग डायमंड्स ऑन इट। ये हो गया पेरिफेरल रीजन में। द टेल ऑफ ए कॉमेट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन बिकॉज कॉमेट, सबने देखा है कि एक टेल लेता है, पूंछ रहती है बड़ी सी, और जो पूंछ होती है वो सन से हमेशा दूर होती है क्योंकि कॉमेट सन के अराउंड रोटेट करता है, और जो रोटेट करेगी उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा आउटवर्ड, जो लाइटर मास ऑफ द कॉमेट है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर की तरफ धक्का लगेगा। जो टेल है कॉमेट की वो गैस है, टाइनी पार्टिकल्स है, तो कॉमेट्स मोस्टली आइस और डस्ट से बने होते हैं, और टेल्स जो हैं वो तभी बनती हैं, वो ये तो
हीट से मेल्ट हो जाएंगी दूर की तरफ। अब कॉमेट का जो न्यूक्लियस वो मेल्ट होने लगता है तो गैस का क्लाउड बनता है, जिसको कोमा बोलते हैं, कोमा बोलते हैं। जब कॉमेट व्हेन कॉमेट्स ट्रेवल क्लोज इनफ इनटू द कॉर्नर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, प्रेशर फ्रॉम द सनलाइट कॉजेज द कॉमा टू फॉर्म अ टेल दैट स्ट्रेचेस अवे फ्रॉम द सन। अजर्सन रीजन है। सेम फेस ऑफ द मून इज ऑलवेज प्रेजेंटेड टू द अर्थ, ये बिल्कुल सही है। और मून रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन डेज, विच इज अबाउट द सेम टाइम इट टेक्स टू ऑर्बिट द अर्थ, दोनों सही है। सेम साइड ऑफ मून इज ऑलवेज फेसिंग द अर्थ बिकॉज मून स्पिन्स ऑन इट्स ओन एक्सिस इन एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ टाइम मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। अब मून अर्थ के अबाउट जितने दिनों में घूमेगा, मून अपनी एक्सिस के अबाउट भी उतने दिनों में घूम रहा है, तो वही फेस हमें दिखाई देता रहता है हर समय। एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑफ वीनस इज हाईली इम्प्रोबेबल, ये बिल्कुल सही है। वीनस हैज एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोसफेयर, ये भी बिल्कुल सही है। द टर्म सिज जिगी इज रेफर्ड टू व्हेन, सिज की अर्थ पेरिलियन मून, पेरिजी अर्थ या पेरिलियन मून है वो जी, जब मून अर्थ सन, सन अर्थ मून, सन मून अर्थ तीनों बिल्कुल सिनर्जेटिक वे में एक लाइन पे आ जाते हैं तो उसे सिज की बोलते हैं। एक सोलर इक्लिप्स टाइप की कंडीशन हो जाएगी, मून जब पास कर जाए अर्थ और सन के बीच में, या मून फुल्ली या पार्शली ब्लॉक कर दे सन को। दिस कैन ऑनली अपन इन न्यू मून, सन और मून कंजंक्शन पे है तो इसे सिजकी बोलते हैं। टोटल इक्लिप्स टाइप है, सन की डिस्क फुल्ली ऑब्स्क्यूर हो जाती है मून से। टू ऑर्बिट अराउंड सन द प्लैनेट मास टेक्स लेसर टाइम देन द टाइम टेकन बाय अर्थ, मार्स तो जल्दी घूमेगा घूमेगा नहीं, मरकरी वीनस अर्थ मार्स, नहीं मार्स दूर है ना, जल्दी नहीं घूमेगा, गलत है। मार्स का टाइम पीरियड अर्थ से ज्यादा है, डायमीटर ऑफ मार्स इज लेसर, शायद डायमीटर ऑफ मार्स अर्थ से छोटा है, आधा है करीब, लेकिन टाइम पीरियड बड़ा है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारे क्यों टिमटिमाते दिखाई देते हैं, तारे टिमटिमाते नहीं दिखाई देते, ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है ये, क्योंकि जो तारों की लाइट आएगी अर्थ पे वो एटमोसफेयर पास करके आएगी, और एटमोसफेयर में एयर की लेयर अलग अलग रिफ्रैक्टिव डेंसिटी की होती है तो वो रिफ्रैक्शन कर देती हैं। तो हमें जो इमेज दिखाई देती है स्टार की, वो मान लो किसी पॉइंट पी पे दिखाई दे रही तो थोड़ी देर बाद क्यू पे दिखाई देगी, थोड़ी देर बाद आर पे दिखाई देगी, तो वो स्टार हमको नाचता हुआ दिखाई देगा, ट्विंकल करता हुआ दिखाई देगा। तो स्टार का जो ट्विंकलिंग है बिकॉज ऑफ द अर्थ के एटमोसफेयर के टर्बुलेंस की वजह से, एटमोसफेयर की टर्निंग होती रहती है तो लाइट अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट होती है, उससे ब्राइटनेस चेंज होती है तो ट्विंकल होता है। दिस इज वन ऑफ द रीजन द हबल टेलीस्कोप इज सो सक्सेसफुल इन स्पेस। हबल टेलीस्कोप को जब स्पेस में ले आते हैं तो कोई एटमोसफेयर ही नहीं है जिससे स्टार ट्विंकल करते हुए दिखाएं, बेटर इमेज मिल जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज इफेक्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ, भाई एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन मून स्टार, ये भी अर्थ के रोटेशन की वजह से है। फ्लैटनेस ऑफ पोल्स एंड बल्ज ऑफ द इक्वेटर, ये अर्थ के रोटेशन से कैसे रिलेटेड है कि पोल्स पे अर्थ चपटी और इक्वेटर पे फैली हुई है। अर्थ के रोटेशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तो इक्वेटर पे फैला दे रहा है, पोल्स पे ऐसे खींचे ले रहा है। अकरेंस ऑफ सनराइज सनसेट एंड मून, ये भी है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो अर्थ की रोटेशन की वजह से 100%, अर्थ को मैग्नेट ये जो फील्ड आती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, वो अर्थ की रोटेशन की वजह से, जियोडायनेमो थ्योरी। व्हाट इज मीन बाय इक्लिप्स ऑफ मून, तो मून इक्लिप्स तभी होगा जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाए, अर्थ आ जाए सन और मून के बीच में, डी व्हेन द मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, नहीं व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून, ए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अल्बिडो, अल्बिडो का मतलब होता है रिफ्लेक्शन, लौटा देना।
रेज पड़े और सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर लौट जाए तो अल्बिडो बोलते हैं। अल्बिडो इज ऑब्जेक्ट डिटरमाइंड इज विजुअल ब्राइटनेस, सही बात है। अल्बिडो ऑफ मर्करी इज ग्रेटर देन अल्बिडो ऑफ अर्थ, अल्बिडो विजुअल ब्राइटनेस है, जितनी ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी उतनी ज्यादा ब्राइट दिखाई देगी चीज। अल्बिडो इज द फ्रैक्शन ऑफ सोलर एनर्जी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अर्थ, और ये मरकरी की ज्यादा है अर्थ से, ये अभी आज पता चला। इन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी स्टार्ट ड्यू टू डिके, हाइड्रोजन टू हीलियम, बी न्यूक्लियर फ्यूजन, हाइड्रोजन टू हीलियम। अर्थ रिसीव्स द सन्स एनर्जी एट द इंफ्रारेड, अर्थ को जो सन से एनर्जी मिलती है वो लो फ्रिक्वेंसी एनर्जी होती है, अर्थ को जो सन से एनर्जी मिलती है वो लो फ्रिक्वेंसी एनर्जी होती है, नहीं हाँ सही है, लो फ्रिक्वेंसी एनर्जी होती है, लो फ्रिक्वेंसी एनर्जी होती है, और अर्थ जो रिफ्लेक्ट करता है वो हाई फ्रिक्वेंसी, नहीं अर्थ को जो मिलती है वो हाई फ्रिक्वेंसी है, जो रिफ्लेक्ट करता है वो लो फ्रिक्वेंसी है मेरे हिसाब से। फिर से पढ़ते हैं, अर्थ रिसीव्स द सन्स एनर्जी इन इंफ्रारेड, नहीं अगर अर्थ विजुअल लाइट में रिसीव करता है और अल्ट्रावायलेट में करता है तो पहले तो गड़बड़ आई। अर्थ री रेडिएट द सन एट अल्ट्रावायलेट, अरे यार कहाँ से अल्ट्रावायलेट रिफ्लेक्ट करेगा, अर्थ तो इंफ्रारेड रिफ्लेक्ट करेगा, तो दोनों गलत है। सन रेडिएट करता है एनर्जी, अर्थ के पास आती है विजिबल और अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड दोनों, तीनों में, तो 4,000 से 7,000 एंगस्ट्रॉम वाला विजिबल है, ये सन से जो एनर्जी आ रही है उसका 43% है, जो इससे शॉर्ट वेवलेंथ है मतलब अल्ट्रावायलेट वो 7-8% है, बाकी जो बचा वो इंफ्रारेड है। द शॉर्टर द वेवलेंथ ऑफ लाइट द मोर एनर्जी इट कंटेन्स, शॉर्टर वेवलेंथ यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा था, हाँ ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा एनर्जी होती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स, कौन से एस्ट्रॉइड रॉकी प्लेनेटॉइड्स हैं, छोटे प्लेनेट्स हैं, गैस के फ्रीज होने से बनते हैं, सही है। एस्ट्रॉइड जुपिटर और मार्स के बीच में मिलते हैं, ये भी सही लग रहा है। कॉमेट्स हुए परसेप्टेबल ग्लोइंग टेल, कॉमेट्स में कॉमा की तरह पीछे पूंछ होती है, एस्ट्रॉइड में नहीं होती, लग तो वैसे ये भी सही रहा है, लेकिन उन्होंने आंसर 3 को गलत माना है, क्यों? एस्ट्रॉइड रॉकी प्लेनेटॉइड्स हैं, स्मॉल एयरलेस रॉकी वर्ल्ड्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन है, टू स्मॉल टू बी कॉल्ड प्लैनेट्स, प्लैनेटॉइड्स भी बोलते हैं, सारे एस्ट्रॉयड को मास जोड़ दो तो भी अर्थ सेम उनसे कम आएगा, फ्रोजन कॉमेट्स फ्रोजन गैसेस होते हैं, तो एस्ट्रॉयड वर्ल्ड कॉमेट्स और फ्रोजन गैसेस पहला तो बिल्कुल सही है, और कॉमेट्स हुए परसेप्टेबल ग्लोइंग टेल व्हाइल एस्ट्रॉयड डू नॉट, कॉमेट्स हुए परसेप्टेबल ग्लोइंग टेल एस्ट्रॉयड, तो 1 भी सही है 3 भी सही है, 2 सही नहीं है, सही सही 2 में क्या गड़बड़ है, एस्ट्रॉयड जुपिटर मार्स कॉमेट्स कहाँ मिलते हैं, वीनस मिलते हैं, वही गड़बड़ होगा, कॉमेट्स की लोकेशन गड़बड़ होगी। द ब्लू मून फिनोमेना अकर्स व्हेन टू फुल मून अकर्स इन द सेम मंथ, ब्लू मून इज द सेकेंड फुल मून इन ए कैलेंडर मंथ, फॉर ए ब्लू मून टू अकर द फर्स्ट ऑफ द फुल मून मस्ट अपीयर एट अ नियर द बिगनिंग ऑफ द मंथ, सो द सेकेंड विल फॉल विद इन द सेम मंथ, क्योंकि दो फुल मून के बीच में 29.5 दिन का गैप होता है, तो महीना अगर 31 दिन का है तो 1 या 2 जनवरी मैक्स, 1 या 2 जो है फर्स्ट या सेकेंड जो है मंथ का उसमें पहला मून हो, अगला मून फिर 1 के होगा तो 29.5 जोड़ के 30 को पड़ जाएगा, दूसरे तो 31 को पड़ जाएगा, तो 30-31 दिन का महीना हो और वो ब्लू मून फरवरी में नहीं हो सकता, और पहले 2 दिन में कहीं फुल मून हो तो अगला फुल मून पड़ जाए तो उसे ब्लू मून बोलते हैं। अजर्शन रीजन है, कॉमेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन ओनली इन लॉन्ग इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट तो सभी की होती है, कॉमेट डेवलप ए ट्रेल व्हेन इट गेट क्लोजर टू द सन, ये भी सही है, तो दोनों ट्रू है बट कोई इसका रीजन तो है नहीं। इक्लिप्स ऑफ द सन अकर्स, सन सोलर इक्लिप्स तन होगी जब सन ना दिखाई दे तो मून आ जाए अर्थ सन के बीच में, व्हेन मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ तो सोलर इक्लिप्स होती है। अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन एंड अबाउट जनवरी 3, सही है। अर्थ इज फादर्स्ट फ्रॉम द सन एंड जुलाई 4, ये भी बिल्कुल सही है, पेरजी और एपोजी, पेरिहेलियन एपोलियन दिया।
मार्स जुपिटर सैटर्न टीथिस डेमोस यूरोपा टाइटेनिया प्लैनेट और सैटेलाइट। डेमोस और फोबोस तो मार्स के सैटेलाइट हैं। फोबोस ग्रांट नाम का एक मार्स रोवर मिशन में भेजा गया था, तो डेमोस और फोबोस तो मार्स के सैटेलाइट है। यूरोपा जुपिटर का है, टीथिस सैटर्न का है, टाइटेनिया यूरेनस का है। डेमोस मार्स का है, यूरोपा जुपिटर का है, टीथिस सैटर्न का है, टाइटेनिया यूरेनस का है। डेमोस मार्स का है, यूरोपा जुपिटर का है, टीथिस सैटर्न का है, टाइटेनिया यूरेनस का। डेमोस और फोबोस मार्स के हैं, यूरोपा जुपिटर का है, टीथिस सैटर्न का है, टाइटेनिया यूरेनस का है। नीरेस्ट जो लार्ज गैलेक्सी है मिल्की वे की, वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। हम लोग मिल्की वे में रहते हैं, नीरेस्ट एंड्रोमेडा है। सन का जो नीरेस्ट नोन स्टार है वो रेड ड्वार्फ है, प्रॉक्सिमा सेंटुआरी एक स्टार है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी का डिफरेंस है। प्लैनेट नेपच्यून एपियर्स ब्लू इन कलर, ये तो सही लग रहा है। मीथेन गैस की वजह से नेपच्यून ब्लू है, मीथेन गैस की वजह से ब्लू है। मीथेन जो है नेपच्यून के अपर एटमॉस्फेयर में रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, बट ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए नेपच्यून ब्लू दिखता है। सिंस वीनस इज सीन इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग एंड वेस्ट इन द इवनिंग, इट इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। ये बिल्कुल सही है। अर्थ लुक्स ब्लू बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ये भी सही है। ब्लू प्लेनेट, अर्थ लुक्स ब्लू व्हेन सीन फ्रॉम द स्पेस, दोनों सही है। वीनस इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई ऑफ द सनसेट, बिल्कुल सही है। वीनस इज द सेकेंड प्लेनेट फ्रॉम सन, मरकरी वीनस। पहला स्टेटमेंट, आवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन द ओरियन आर्म ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी अबाउट 2/3 ऑफ वे आउट ऑफ द सेंटर, और सोलर सिस्टम फॉर्म फ्रॉम इंटरस्टेलर क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस और नेबुला अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। तो जो सोलर सिस्टम है वो 5 बिलियन ईयर्स एगो करीब बना था। आवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड ऑन द ओरियन आर्म ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, बिल्कुल सही है। 2/3 वे आउट ऑफ द सेंटर, सन करीब 26,000 लाइट ईयर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी है। वी आर लोकेटेड ऑन वन ऑफ इट्स स्पायरल आर्म्स आउट टुवर्ड्स द एज, किनारे पे हैं कहीं हम लोग मिल्की वे है। इट टेक्स द सन रफली 200 to 250 million टू ऑर्बिट अराउंड द मिल्की वे। वी एंड द रेस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम आर ट्रेवलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 250 km/s। अकॉर्डिंग टू नोवा हाइपोथेसिस सोलर प्लैनेट्स वर फॉर्म बिकॉज ऑफ द एक्सप्लोजन 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 ऑफ सुपरनोवा। सही लग रहा है। नोवा हाइपोथेसिस ये कहती सुपरनोवा था एक, उसी का एक्सप्लोजन से सोलर प्लैनेट बने। स्टार बिकम सुपरनोवा इन दैट स्टेज व्हेन इट्स व्हिच when it has lack of hydrogen element. According to Nova hypothesis, solar planets are formed because of the explosion of supernova. A star becomes supernova in that stage when it has lack of hydrogen elements. Supernova happens when there is a change in the core or the center of the star. A change can occur in two different ways, with both resulting in supernova. The first type of supernova occurs in binary star system. Binary stars are two stars that orbit around the same point. One of the stars, a carbon oxygen white dwarf, steals matter from its companion stars. Eventually, the white dwarf accumulates too much matter. Having too much matter causes the star to explode, resulting in supernova. A second type of supernova occurs at the end of a single star's lifetime. As the stars run out of nuclear fuel, some of the mass flows into its core. Eventually, the core is so heavy that it cannot withstand its own gravitational pull. The core collapses, which result in giant explosion of a supernova. Sun is a single star, but it does not have enough mass to become a supernova. दो लिस्ट हैं और करेक्ट आंसर बताना है सैटेलाइट वाला।
टाइटन 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 नेपच्यून का होगा, मून तो अर्थ का होगा, गैनीमेड जुपिटर का होगा, टाइटन नेपच्यून का है, ट्राइटॉन टाइटन सैटर्न का है, ट्राइटॉन नेपच्यून का है, टाइटन सैटर्न का है। प्लैनेट सेटेलाइट कॉमेट आर्टिफिशियल सेटेलाइट, यूरेनस तो प्लैनेट है, मून सेटेलाइट है, हेलीज कॉमेट, मरीनर एक आर्टिफिशियल सेटेलाइट है। ओनली टू प्लैनेट्स वीनस एंड यूरेनस रिवॉल्व अराउंड द सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वीनस यूरेनस ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं उल्टा। वर्ल्ड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बिल्कुल सही है। सन इज द हॉट स्पॉट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, सही है, सोर्स ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही है। इनर मोस्ट लेयर सेल की कोरोना है, नहीं, आउटर मोस्ट लेयर सन की कोरोना कहलाती है। सन इज द सेंटर सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी, सन की रेडिएंट एनर्जी। साइंटिस्ट हैव डिटरमाइंड द टेम्परेचर नियर द अर्थ सेंटर 1000 डिग्री सेल्सियस हॉटर देन व्हाट वाज रिपोर्टेड इन एक्सपेरिमेंट 20 ईयर्स अगो। द एक्चुअल टेम्परेचर इज, दीज मेजरमेंट कंफर्म जियोफिजिकल मॉडल्स दैट से दैट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सॉलिड कोर एंड द मेंटल एबव मस्ट बी एट लीस्ट 1500 डिग्री सेल्सियस टू एक्सप्लेन व्हाई द अर्थ हैज ए मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को एग्जिस्ट करने के लिए कोर और मेंटल के बीच में 1500 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए। तो टेम्परेचर कितना हुआ, 6000 डिग्री सेल्सियस अर्थ का कोर। इक्विनॉक्स सोलस्टिस, ऑटम्नल इक्विनॉक्स, विंटर सोलस्टिस की डेट बताओ। करते हैं भाई, मेरे हिसाब से सन इक्वेटर के ऊपर जब आती है तो इक्विनॉक्स होता है। दो इक्विनॉक्स होते हैं, एक होता है वर्नल, एक होता है ऑटम्नल। तो एक इक्विनॉक्स होता है मार्च 20 में या 21 में, उसके बाद आएगा समर सोल्स्टिस जून 22 में। इसमें जो सन है वो सीधे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होगी। समर सोल्स्टिस 22 जून, फिर उसके बाद फिर से एक इक्विनॉक्स आएगा सितंबर में, फिर सोल्स्टिस आएगा विंटर सोल्स्टिस 22 दिसंबर को। इक्विनॉक्स सोल्स्टिस, ऑटम्नल जो इक्विनॉक्स है वो 23 सितंबर का है। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 लैटिट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 लैटिट्यूड है साउथ, इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, आर्कटिक सर्किल 90 डिग्री, आर्कटिक सर्किल का कोई है, आर्कटिक सर्किल का कुछ है ही नहीं इसमें तो। आर्कटिक सर्किल लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, अच्छा आर्कटिक सर्किल है तो 66.5 डिग्री लेटिट्यूड, आर्कटिक सर्किल 66.5। प्राइम मेरिडियन एक मेरिडियन लाइन है जहां पे लॉन्गिट्यूड 0 है। प्राइम मेरिडियन और इसका जो अपोजिट है 360 डिग्री, 180 मेरिडियन, वो एक सर्किल बनाते हैं, दो हिस्सों में बांट देते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज द मोस्ट नॉर्दर्ली सर्किल ऑफ लेटिट्यूड एट विच द सन में अपीयर डायरेक्टली ओवरहेड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर कभी भी सन डायरेक्टली ओवरहेड नहीं आता। इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री पे है, आर्कटिक सर्किल 66.5 पे है, इन नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है जिसके ऊपर सन अपीयर्स अबव द लेवल ऑफ ओरिजन,
मतलब इसके ऊपर तो सन कभी हॉरिजन के ऊपर भी नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, सन अपीयर्स द लेवल ऑफ ओरिजिन ऑन विंटर सोल्स्टिस। इसके बाद विंटर सोल्स्टिस से तो सन नीचे दिखाई देगा, ओरिजिन के नीचे दिखाई देगा, ओरिजिन के नीचे दिखाई देगा मतलब अंधेरे ही बना रहेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ है। अर्थ प्लूटो सन मून ड्वार्फ प्लेनेट स्टार ब्लू प्लेनेट सेटेलाइट। अर्थ तो ब्लू प्लेनेट है, प्लूटो ड्वार्फ प्लेनेट है, मून सेटेलाइट है, सन स्टार है। गैलेक्सी के बारे में क्या क्या चीजें सही है? गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। न्यूमरस टाइनी बॉडीज तो नहीं बोलेंगे। गैलेक्सी मार्स जुपिटर के बीच में मिलेंगे ना, मार्स और जुपिटर खुद गैलेक्सी का पार्ट है भाई, गैलेक्सी बड़ी चीज है। मैच द प्लेनेट विद द प्रॉपर्टीज, लॉन्गेस्ट स्टार, लॉन्गेस्ट डे, मोस्ट मून्स। तो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट ईयर सबसे दूर जो होगा वो नेपच्यून का होगा, 168 ईयर। सबसे ज्यादा मून तो सैटर्न के पास है। वाटर सबसे ज्यादा अर्थ के पास है, 21%। लॉन्गेस्ट डे वीनस का होता है, एक दिन वहां पे 250 दिनों का होता है, 243 दिनों का। जीपीएस इज एसोसिएटेड विद ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड, कंस्टेलेशन ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट से यूएस सिस्टम ऑफ जीपीएस, रशियन सिस्टम ऑफ ग्लोनॉस, ये बात भी सही है। नेविगेशन में भी यूज करते हैं, काफी कुछ ऐसे ही है। जीपीएस एक स्पेस बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम है, यूएस गवर्नमेंट और यूएस एयरफोर्स इसको ऑपरेट करते हैं। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, अर्थ में कहीं भी जा सकते हैं। जियो लोकेशन एंड टाइम इंफॉर्मेशन जीपीएस रिसीवर, आप अर्थ में कहीं लगा दो तो मिल जाती है। अनऑब्स्ट्रक्टेड लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन होता है, चार या चार से ज्यादा जीबी सैटेलाइट का। ये सैटेलाइट सिस्टम किसी भी टेलीफोन या इंटरनेट लाइन पे डिपेंड नहीं करते। तो जीपीएस प्रोवाइड्स क्रिटिकल पोजीशनिंग कैपेबिलिटीज टू मिलिट्री, सिविल एंड कमर्शियल यूजर्स अराउंड द वर्ल्ड। यूएस गवर्नमेंट इसको क्रिएट करके मेंटेन करती है, फ्रीली एक्सेसिबल दे रखा है जिसके पास भी जीपीएस रिसीवर हो, बट जब चाहे यूएस गवर्नमेंट इसको एक्सेस डिनाई कर सकती है। जैसे 1999 में जब कारगिल वार हुआ था तो जीपीएस ब्लॉक कर दिया था। अर्थ एक ऑब्लिक स्फेराइड है, परफेक्ट स्फेयर नहीं है। क्यों क्यों? क्योंकि अर्थ रोटेट करती है और रोटेशन स्पीड इंक्रीजेस एज वन गोज फ्रॉम पोल टुवर्ड्स द इक्वेटर। इक्वेटर पे बल जा गया है, बल जो के रोटेशन की वजह से ही आया है, 40 किलोमीटर 43 किलोमीटर का डिफरेंस है। अर्थ डज नॉट मूव अलोंग इट्स ऑर्बिट एट ए कॉन्स्टेंट रेट। अर्थ मूव्स फास्टेस्ट एट पेरिहेलियन एंड स्लोएस्ट एट एपिहेलियन बिकॉज ऑफ केपलर सेकेंड लॉ। जब अर्थ पहुंचती है पेरिहेलियन पास में तो जहां तेजी से चलने लगती है, और अर्थ एपोलियन दूर जाती है तो कम तेजी से चलती है, कॉन्स्टेंट रेट पे नहीं चलती है। ये कैपलर सेकेंड लॉ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिकॉर्डिंग टू मिल्की वे? मिल्की वे इज स्पायरल गैलेक्सी, सोलर सिस्टम इसकी स्पायरल आर्म पे है। आई थिंक 111 क्वेश्चन हो गए हैं, 111 क्वेश्चन यहीं पे ब्रेक लेते हैं, फिर अगला करेंगे।